टीए की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। 75 प्रश्न कंप्यूटर से रहेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कंप्यूटर से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और इन परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के प्रयोग के लिए स्टोर करती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है। तो आपको बताना है कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इनपुट भी कार्य है, स्टोरेज भी कार्य है और प्रोसेसिंग भी कार्य है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के चार मूल कार्य होते हैं, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीन पर। तीन नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन का चुनाव करना है, इसमें से कौन सा कथन गलत है। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यहाँ देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन, यह एक लॉजिकल मशीन है जो सूचना को प्रोसेस करती है, ये बात ठीक है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुँचा सकती है, ये भी बात ठीक है। इनमें कोई भी भावावेश नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती, ये भी बात ठीक है। और यहाँ पर डी ऑप्शन देखेंगे, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुँचाता है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। गलत ऑप्शन ढूंढना था, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा स्वीकार करती है और उसे भंडारित करती है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है और विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। इसमें कोई भावेश नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ दिए गए दशा यानी दिशा निर्देश प्रोग्राम को अंदर ही कार्य करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार पर। क्वेश्चन नंबर चार दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, ये बात गलत है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, बी ऑप्शन जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, ये भी बात गलत है। सी ऑप्शन देखेंगे, कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, ये भी बात गलत है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा कह रहा है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित और पुनः प्राप्त और संशोधित करता है। तो ये बात सही है, सही ऑप्शन ढूंढना था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे पाँच। पाँच नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर के मुख्य भाग बताना है। तो कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? तो कंप्यूटर के छः भाग होते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। छः भाग यहाँ पर दिए हुए हैं, नाम भी आपको याद होने चाहिए। CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। कभी कभी पूछता है इनपुट डिवाइस कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए, कीबोर्ड इनपुट है, माउस, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस है। आउटपुट की बात करें, प्रिंटर, मोनिटर, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस, ये कंप्यूटर के छः भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सात, छः पर। छः नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। नहीं पूछ रहा है कौन सा एक घटक नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कागज़, पेपर जो है ये कंप्यूटर का घटक नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, ALU, CPU, मेमोरी कंप्यूटर के घटक हैं, जबकि कागज़ जो है कंप्यूटर का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर सात देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं फिर पूछा है, तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। CPU, मदरबोर्ड या हार्ड डिस्क या एरिथ्रोसाइट्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन, एरिथ्रोसाइट्स। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, CPU और मदर, यहाँ पर मदरबोर्ड दिया हुआ, हार्ड डिस्क दिया हुआ, ये सब कंप्यूटर से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर एथ्रियोसाइट्स जो है ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि इनपुट स्टोरेज प्रोसेस आउटपुट और कंट्रोल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, रॉ इनपुट डाटा को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सर्वप्रथम इनपुट स्टोरेज प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता, नहीं पूछा है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैलकुलेटर किया जा सकता है, कंप्यूटर किया जा सकता है, कंप्यूटर भी कर सकता है, कैलकुलेटर भी कर सकता है, मोबाइल फ़ोन भी कर सकता है, लेकिन प्रिंटर जो है ये गणना का कार्य नहीं कर सकता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर जो होता है ये हार्ड कॉपी के रूप में कार्य करता है या प्रिंटिंग के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसको हम ह्यूमन वेयर के नाम से इसको जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को ह्यूमन वेयर के नाम से भी कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और संग्रहित किया गया है, इसमें से CPU द्वारा प्राप्त डिकोड निष्पादित किए गए हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या आंसर आएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि मेमोरी। यहाँ पर मेमोरी आ जाएगा, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और मेमोरी में संग्रहित किया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एक्यूमुलेटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज़ी से मेमोरी, जो मेन मेमोरी का भाग नहीं होता है, रजिस्टर मेमोरी कहलाती है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखेंगे CPU में उपयोग होने वाले रजिस्टर, तो CPU में उपयोग होने वाले रजिस्टर एक्यूमुलेटर, डाटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर या और है इंटरेक्शन रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षात कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मस्तिष्क की तुलना में किससे की जाती है, आपको बताना मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर से की जाती है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि एलन ट्यूनिंग को, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग को। कहीं कहीं पर दोस्तों चार्ल्स बेबेज भी दिया जाता है, ठीक है, अगर ऑप्शन में एलन ट्यूरिंग नहीं है तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 23 जून 1912 ईस्वी को इंग्लैंड शहर में हुआ था। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया जो एल्गोरिदम और संगणना अवधारणा के लिए विख्यात थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है, कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 और 2, यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों,
कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे गति, शुद्धता, निरंतरता, विविधता, विश्वसनीयता, स्वचालित और यहाँ पर भंडारण क्षमता दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एक दिखता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। इन चार ऑप्शनों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अब कंप्यूटर के कुछ घटक से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है। BIOS का आपका पूरा नाम बताना है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफ्राफेक्शन की परिवर्तित करता है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफ्रा मिर्शन में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाटा को। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डेटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक संख्यात्मक डेटा, एक है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दी गई सूचनाओं को डेटा कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है, अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, अन्य प्रकार के डाटा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व और यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है, तो किसकी बनी होती है। तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है, नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हार्डवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसे हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, मदरबोर्ड है, प्रिंटर है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का वह संग्रह होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है, इसके द्वारा आउटपुट मिलते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, असेंबलर हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26। 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो
तो राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी में, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या जीरो तथा एक से मिलकर बनी होती है। याद रखेंगे बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है, द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, यहाँ पर बताना है क्या चीज़ आएगा, और यहाँ पर अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाटा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ध्यान देंगे यहाँ पर आएगा डाटा अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इन्फॉर्मेशन सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर दोस्तों, यहाँ एक बार दोबारा देख लेंगे। जब कोई तथ्य प्रमाणित सूचना के रूप में नहीं होता तो उसे हम डेटा कहते हैं। रिकॉर्ड हमेशा अपूर्ण फैक्ट को प्रदर्शित करता है, जबकि इन्फॉर्मेशन हमेशा अर्थपूर्ण डेटा अथवा सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन करा है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्य रूप से क्या रूप लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर और अल्फा बेटिकल करेक्टर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डाटा एक अपूर्ण तथ्य तथा आंकड़ा है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। डाटा निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं, अल्फाबेटिकल डाटा ए टू जेड लिखा जाता है, सिंबॉलिक डाटा प्लस माइनस इस प्रकार के चिन्ह होते हैं, तो और न्यूमेरिक डाटा 0 से 9 ये अंक लिखे होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कंप्यूटर वह जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है, तो बताना है किस जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल डाटा, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, एक संगणक के घटनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आगत इकाई उपयोगकर्ता से निर्देश स्वीकार करती है, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे निर्गत इकाई, एक निर्गत इकाई संगणक यानी कि कंप्यूटर के परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे स्मृत इकाई, इसके कार्यों के प्रसंस्करण के प्रारंभ होने से पहले आगत इकाई के द्वारा दर्ज आगत को संग्रह करना सम्मिलित है। डी ऑप्शन देखेंगे। चौथा ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई, यह एक संगणक यानी कि कंप्यूटर के भीतर का हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। तो इसमें से बताना था निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें से सभी सही हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 चारों ऑप्शन हमारे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चारों ही ऑप्शन हमारे राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4 यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, अब सूचना से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन से संबंधित कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, प्रोसेस्ड डाटा के रूप में जाना जाता है, तो किसको जानते हैं, तो ये जाना जाता है दोस्तों जानकारी इन्फॉर्मेशन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है, जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक और मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फंड है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन OCR A, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पर, जो कि हार्डवेयर से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ये एम्बेसडर सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार है, तो एम्बेसडेड में बताना है इसमें से कौन सा माइक्रो कंट्रोलर का प्रकार है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ARM माइक्रो कंट्रोलर,
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, केवल ए, सी ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं, माइक्रो कंट्रोल एक छोटा कम लागत वाला स्वयं निहित कंप्यूटर ऑन ए चिप है जिसे एम्बेडेड सिस्टम के रूप में उपयोग किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में PIC का अर्थ बताना है क्या होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, यहाँ देख सकते हैं PIC एक पेरीफेरल इंटरफेस माइक्रो कंट्रोलर है। इसे सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि यह विभिन्न कार्य करता है। PIC माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग विभिन्न नए अनुप्रयोगों जैसे स्मार्टफोन, ऑडियो या एक्सेसरीज आदि उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन करा है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही पूछ रहा दोस्तों। यहाँ देखेंगे कथन ए दिया हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है, ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रह है जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए मजबूर करते हैं, ये भी बात सीख है। यानी ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे ए और बी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर दो मुख्य भाग से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं जैसे मेमोरी डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर जिसको CPU कहते हैं, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रह होता है जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए मजबूर करते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हम स्पर्श नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक एकीकृत परिपथ सामान्य रूप से जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है ये आपको बताना दोस्तों, चिप के रूप में, प्रतिरोध के रूप में या ट्रांजिस्टर के रूप में या प्लेट के रूप में। तो इसको हम चिप के रूप में जानते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एकीकृत परिपथ जिसे हम IC चिप या माइक्रो चिप के नाम से जानते हैं, ये एक प्रकार के सिलिकॉन धातु का बनी होती है दोस्तों, जिस पर 10 से लेकर 20 तक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ICS का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें ICS का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में BUS क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का सेट होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन का है, कंप्यूटर में जहाँ ऐसे सीरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं। ऐसे सीरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम पोर्ट के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पर। 39 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है SMPS का विस्तारण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका पूरा नाम होता है। याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है USB का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि USB का पूरा नाम आपको बताना है क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ देख सकते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर के पेरीफेरल डिवाइस से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेरीफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है और कीबोर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कराए, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं। आसान क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको लगाया जाता है USB पोर्ट पर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बैटरी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग बैटरी होता है। बैटरी यूपीएस सिस्टम का हृदय होता है। इसके कार्य यूपीएस की बैटरी प्रणाली पर निर्भर करती है, जबकि लोड यूपीएस बैटरी प्रणाली का कम से कम समर्थन करने के लिए एक स्ट्रिंग है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। 43 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, नहीं पूछ रहा दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्ड डिस्क। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क सीपीयू तथा मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पर। 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित का मिलान करें, इसमें से मिलान करना है कौन सा किसके साथ है। यहाँ देखेंगे इनपुट डिवाइस जो होता है दोस्तों ये टच स्क्रीन होता है, यहाँ सेकेंड ऑप्शन के साथ आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस जो होता है दोस्तों ये रोम होता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस जो होता है फ्लैश मेमोरी होती है, ये फ्लैश मेमोरी के साथ हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार का क्या होता है प्रिंटर होता है, ये आर के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बार और देखेंगे इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन, प्रोसेसिंग डिवाइस रोम, स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 45 स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं, तो बताना कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है, यह सीपीयू का एक भाग है जो मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करता है, उन निर्देशों को इंटरप्रेट करता है तथा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है जो कि सिस्टम की अन्य यूनिटों को उनके कार्यों को करने के लिए सक्रिय बनाता है। जबकि एक्सेल प्रिंटर और ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम पावर पॉइंट ये सभी क्या हैं, सभी सॉफ्टवेयर हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन करा है अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को कहा जाता है, इसको हम जानकारी कहते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जानकारी एक डेटा है जिसको कुछ इस तरह से प्रोसेस किया जाता है जिससे प्राप्तकर्ता को कुछ भी उपयोगी जानकारी मिल सके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, गलत कथन का यहाँ पर चुनाव करना है कौन सा गलत है, तो दो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से बताना कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सूचना क्रियोस्क एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कुछ निश्चित जानकारी प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है, ये तो बात ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गैर इंटरेक्टिव क्रियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिनका उपयोग सामान्य डिजिटल साइनेज प्रणालियों में विज्ञापन के रूप में किया जाता है, तो ये भी बात ठीक है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड न फर्स्ट गलत है ना सेकंड गलत है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों ही यहाँ पर सही है, गलत कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 पर। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है सूचना क्रियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट देखेंगे इनकी कार्य क्षमता सीमित होती है, सेकंड देखेंगे यह दूरस्थ नियंत्रण होता है, यह दूरस्थ नियंत्रित होता है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट और सेकंड दोनों, दोनों ही यहाँ पर सही है, सही पूछा था तो एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, नहीं पूछ रहा है बताना है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा लेन जो है ये हार्डवेयर का भाग नहीं होता, बाकी मॉनिटर सेमीकंडक्टर मेमोरी कीबोर्ड ये जो तीनों होते हैं ये हार्डवेयर के पार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ देखें लिखा हुआ माउस चिप सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है, जबकि लेन जो होता है नेटवर्क एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का एक जाल होता है, यह ऑफिस फैक्ट्री विद्यालय आदि जगह पर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50।
50 नंबर क्वेश्चन करा है, CMOS का पूरा नाम बताना है क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यह एक प्रकार का होता है पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड यहाँ पर कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 पर। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, तो आपको बताना है कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों मेन मेमोरी कंट्रोल यूनिट। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां देख सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कीबोर्ड माउस और मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर को, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर आ चुका। आज के इस वीडियो के अंदर 72 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि टीए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर पूछ रहा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा विंडोज XP, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड माउस रोम ये तीनों ही हार्डवेयर हैं, लेकिन विंडोज XP जो है हार्डवेयर नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 पर। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा एक कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन ALU, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ALU का पूरा नाम पूछ लेता है, तो नाम भी आपको याद होना चाहिए, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम होता है। ये सभी प्रकार की दशाएँ और तुलनाएँ ALU में होती हैं। ठीक है, सूचनाएँ हैं यहाँ पर, सूचनाएँ और तुलनाएँ ALU में होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन असेंबलर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जबकि चुंबकीय प्रिंटर और CRT कंप्यूटर में हार्डवेयर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इनमें से कौन एक हार्डवेयर अवयव नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इनपुट डिवाइस CPU मेमोरी डिवाइस ये सभी हार्डवेयर अवयव हैं जिन्हें हम छू कर महसूस कर सकते हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। 57 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सेल, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं छू सकते हैं, ठीक है, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, जैसे माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, जबकि प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित दिए युग में दिए गए हैं, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग शेष से भिन्न है, शेष से भिन्न है, इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि बी क्रोम केबल, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी वाला। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों वाईफाई मॉडेम क्रोम केबल फाइल जो है हार्ड ड्राइव और चार्जिंग जो है केबल, तो उपरोक्त युग में क्रोम अन्य सभी युग्मकों से भिन्न है क्योंकि क्रोम एक वेब ब्राउजर है, ठीक है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर है इसीलिए सबसे भिन्न है और केबल से इसका कोई मेल नहीं खाता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन कंपाइलर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60। 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेमोरी, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों,
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के ऐसे भौतिक भाग जिन्हें हम देखकर देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सॉफ्टवेयर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य का निर्देश देता है। अन्य सभी विकल्प जो हैं हार्डवेयर के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर बताना कौन सा है। तो यहाँ पर सीडी रोम जो है ये एक प्रकार का हार्डवेयर है, याद रखेंगे। सीडी रोम का कभी कभी पूरा नाम दे देता है, तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। यह एक प्रकार का क्या है, हार्डवेयर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो इसमें से बताना है। तो यहाँ जावा जो है दोस्तों ये हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। जावा एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग भाषा है, ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर माउस, प्रिंटर और प्रोसेसर, चिप हार्डवेयर, ये सब हार्डवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दोबारा सुनेंगे। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जिसके कहते हैं, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिस्टर, ट्रांजिस्टर। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ट्रांजिस्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रोग्राम किसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है, तो इसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत, आपको बताना है। इसमें से दोनों में से कथन बताना है सही है कि गलत। फर्स्ट देखेंगे, सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से है, ये बात ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ देखेंगे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए भी सही है और सेकेंड भी सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 पर। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं, तो इसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को हम किस नाम से जानते हैं, सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। 69 नंबर क्वेश्चन करा है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूचना में बदलना, इन्फॉर्मेशन में बदलना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, आपको बताना है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 पर। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। एक ऑप्टिकल करेक्टर रीडर एक उदाहरण है, तो आपको बताना है एक ऑप्टिकल करेक्टर रीडर एक उदाहरण किसका है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इनपुट यूनिट का। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट यूनिट का। इसको हम
OCR के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर। 72 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है, तो उसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर चलाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना यह सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज के प्रश्न हमारे 72 प्रश्न समाप्त हुए। कल जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि तीसरा यूनिट लेके आएंगे, इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं CPU से संबंधित, तो CPU से संबंधित कल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।